आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न के पकोड़े, जो रमजान स्पेशल है। इसका हम पेस्ट बना के, मिक्सचर बना के हम लोग एक दो दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और जब मन करे हम उसको निकाल कर टाइम से खा सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए 1 कप कॉर्न, कटे हुए आलू, गाजर, प्याज, हरे मटर, 1 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून हर्ब्स, तलने के लिए तेल और पानी जो हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर चाहिए हमको, बिल्कुल चिल्ड। ये देखिए बर्फ़ वाला पानी हमको इसका पेस्ट बनाने के लिए, मिक्सचर बनाने के लिए चाहिए। चलिए अब बनाते हैं, तैयारी करते हैं। अब हम लोग एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, मैदा डाल देंगे, चिली फ्लेक्स और हर्ब्स डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसी तरह से सारे सामान को हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलरफुल लग रहा है। इंसान को इतनी भूख लगी होती है उस समय, इतना खूबसूरत देख के ही उसका मन कर जाएगा। और उसके अंदर हम कलौंजी भी डालेंगे, कलौंजी डालने से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और इसको बिल्कुल ये बर्फ वाले चिल्ड पानी से हम इसको मिक्स करेंगे। ऐसे करने से ये ना खराब होएगा, ना काला पड़ेगा और इसको हम इजीली बना सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, अगर और मैदा की जरूरत पड़ेगी तो हम हल्का सा डाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे गर्म होने के लिए। अब तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब फ्रिज में से हमने ये बैटर निकाल लिया है और इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसको हम गरम तेल में डालेंगे। स्लो फ्लेम पर ही, स्लो मीडियम फ्लेम पर बनाना है। देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, वाइट वाइट मल्टी कलर के। अब पकौड़ों ने अपनी रंगत ले ली है, अब इनको हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे क्रिस्पी। और बाकी का जो हमारा बैटर बचा है उसको हम दोबारा फ्रिज में रख देंगे और जब जरूरत होगी तब उसको भी हम बना लेंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे।
देखिए कितने प्यारे ब्यूटीफुल क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े इफ्तारी के लिए। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इनको हम दोबारा तेज गैस के ऊपर एक बार फिर से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे पकोड़े रोजा इफ्तारी के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब ये हमारे व्हाइट पकोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लोर के बने हुए रेडी हो गए और ये बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए, अब ये देखिए इसमें हमने पनीर भी डाला है। उसमें हम बताना भूल गए थे, इंग्रेडिएंट्स में पनीर भी डाला है कि क्यूब्स करके सारी सब्जियां जो भी चीज डाली है उनके क्यूब्स बनाए हैं। और ये हमारे ये देखिए कॉर्न के, थैंक यू। प्लीज अगर आपको हमारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, थैंक यू। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सॉस से, चटनी से, हरी चटनी से, जिससे मर्जी खाइए। बिस्मिल्लाह कीजिए।